पंजाब केसरी समूह की पूर्व निदेशक स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा की नौवीं पुण्यतिथि के अवसर पर कैथल के उजाला सिग्निस हॉस्पिटल में रविवार को विशाल मेडिकल कैंप और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के 12 अनुभवी और सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने आए हुए मरीजों को बेहतरीन तरीके से बिना किसी सेवा शुल्क के अपनी सेवाएं दी, जिनमें ओपीडी के साथ सिटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं भी फ्री में दी गयी। प्रोग्राम का शुभारंभ कैथल SDM ब्रह्म प्रकाश और DSP उमेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कैंप में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब केसरी द्वारा आयोजित किए गए कैंप को लेकर पूरी टीम की सराहना की। वहीं प्रोग्राम की बढ़िया व्यवस्था करने वाले उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जगजीत सिंह ने पंजाब केसरी का धन्यवाद किया। साथ ही उनके अस्पताल द्वारा लोगों के उपचार में दी जा रही बेहतर सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जगजीत सिंह ने बताया कि आज इस कैंप का लोगों को भरपूर फायदा हुआ। कैंप में लगभग 1100 के करीब लोगों को इसका फायदा हुआ। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश रहती है कि हम उजाला सिग्नस में बेहतरीन सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल द्वारा पहले भी इस तरह के सामाजिक कार्य करवाए जाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह निरंतर करवाते रहेंगे। जो आज ये कैंप लगाया गया 7 जुलाई को, ये सिग्नस हॉस्पिटल की टीम और पंजाब केसरी के जो स्वदेश चोपड़ा जी, उनकी नौवीं आज पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ये लगाया गया मेगा हेल्थ चेकअप कैंप। इसमें हमने जितने भी डॉक्टर्स हैं सिग्नस हॉस्पिटल के, वो चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो गाइनी के डॉक्टर हों, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे जनरल सर्जरी के हों, चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, चाहे डेंटल डॉक्टर हों, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से आज हमने ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा है हॉस्पिटल के अंदर, जिसका कि मेन उद्देश्य एक ही था कि प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की तरफ लोगों को लेके जाना और ज़्यादा फोकस इस पे करना कि लोगों का प्रॉपर डायग्नोस बन सके। आज के टाइम में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना और उसके बाद एक अच्छा ट्रीटमेंट आगे करना और उसके बाद एक प्रॉपर डायग्नोस बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना अगर हम कोई भी दवाई देते हैं, वो सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। तो इसी मेन उद्देश्य के साथ आज ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। तो सर, कितना जो है लोगों की भीड़ रही, आपने कितनी ओपनिंग हो चुकी? जब हमने सुबह कैंप स्टार्ट किया था तब हमारे 300+ रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और आई थिंक टिल डेट 600+ तो क्रॉस कर चुके हैं। 2 बजते हमारा अनुमान है कि हम 1000+ लोगों का आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कर देंगे। तो सर, डॉक्टर की टीम यहाँ वर्क कर रही है आज? यहाँ मेन जो हैं डॉक्टर, वो 10+ कंसल्टेंट यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें कि हमारे रेडियोलॉजिस्ट से लेके कार्डियोलॉजिस्ट से लेके हमारे गाइनी के सुपर स्पेशलिटी जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ टीम के साथ बैठे हैं। शहर को सर और क्या कुछ तमाम सुविधाएं जो है सिग्नस लगातार देता रहे, क्या कुछ बड़ी योजनाएं तैयार की? शहर के लिए सिग्नस हॉस्पिटल एक वरदान की तरह है, जिसमें कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो, आप अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलूँ, 24/7 सिर्फ सिग्नस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर मैं गाइनी के बारे में बोलूं, सिर्फ ओनली 1 गाइनी लेप्रोस्कोपी सर्जन सिर्फ सिग्नस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। ऐसे जितने भी तमाम डॉक्टर्स हैं जो शहर के अंदर आज तक कोई सर्विसेज दे ही नहीं रहा था, वो सिग्नस हॉस्पिटल लेके आया है। और आने वाले टाइम में रोबोटिक्स से लेके हम मॉड्यूलर OT से लेके जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी शहर के अंदर लेके आएंगे। आपको बता दें कि प्रोग्राम में विशेष अतिथि के तौर पर BJP के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग ने शिरकत की। इसके साथ ही BJP के महामंत्री सुरेश संधु, जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मनीष कठवाड़, BJP युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज भी पहुंचे। प्रोग्राम की शुरुआत में सभी ने संदेश चोपड़ा की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में पंजाब केसरी द्वारा निरंतर करवाए जा रहे सामाजिक कार्यों की भी प्रशंसा की। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने कहा कि पंजाब केसरी सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि एक विचार है जो देश और समाज हित के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। कैथल से जयपाल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।